अंतिम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 संदीप सिंह। एसडीएम साहब की जय हो। एसडीएम साहब जय हो। हमारी पुरानी साथी, हमारे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र जी भी आए और एक माला पहना करके साहब का स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आपको मैं भीड़ दिखाऊं क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनावी सभाएं चल रही हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा का गांव डुलाना है और यहां पे संदीप सिंह एसडीएम, काफी नाम सुना होगा, कहीं भी नाम आता है ईमानदारी और बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी। तो संदीप सिंह को आप सुनते हैं, जानते हैं, पहचान जाते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और डुलाना के जो वासी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले एसडीएम साहब से कर लेते हैं जी। नमस्कार सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं डुलाना गाँव में हम आए हुए हैं। डोलाना गांव सबसे अधिक, जब मैं यहाँ पे एसडीएम था तो यहाँ के जितने भी वाशिंदे थे, मेरे परिवार सदस्य थे, मेरे पास बहुत आते थे और जो आदर सत्कार मान सम्मान हमने दिया, आज मेरे डोलाना परिवार ने उससे भी अधिक मान सम्मान मुझे दिया है। हम सबको एक ही बात बता रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी को चुनो और भ्रष्टाचार को साइड में करिए। आप देखिए, एक तरफ सच्चाई ईमानदारी है, एक तरफ 13,000 का घोटाला है और फिर दूसरी तरफ बैंक घोटाले हैं। आप सबको मालूम है, अब कोई भी व्यक्ति घोटालेबाज वालों की तरफ नहीं जाएगा। एक सच्चा हिंदुस्तानी हमेशा सच्चाई ईमानदारी की तरफ ही जाएगा। बीजेपी की बात करें, टिकट चेंज हुई है, कंवर सिंह जी को टिकट मिली है, इस पे लेके आप क्या कहेंगे, किधर जा सकते? देखिए, अभी जो सर्वे हुआ है, अभी इन्होंने जो इंटरनल सर्वे करवाया है, उस सर्वे में रिपोर्ट जो आई है उसको देख के इनके पैरों की जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि प्राइवेट सर्वे ने 80,000 हमारे दिखाए, हमारे परिवार के दिखाए और इनके 30,000 से नीचे दिखाए इनके सर्वे ने। मतलब कमाल की बात यह है कि सर्वे भी खुद ही करवाया है, इंडिपेंडेंस सर्वे करवाया था, तो उसमें ये इनकी हार है, हमारी जनता जीत रही है। 29 तारीख के बारे में बता रहे, तो कहां पे होगा, किस प्रकार? तो 29 तारीख को अभी आपका सब्जी मंडी ग्राउंड जो है, जहां सब्जी मंडी है ग्राउंड है, उसके अंदर ही 10 बजे ये एक बड़ी जनसभा होगी और हमारे जितने बंधु हैं वो सभी से पार्टिसिपेट करेंगे। गांव के लोग कह रहे हैं, ठीक है, देखो जी बेटा, गांव के लोग कह रहे हैं कि सब्जी मंडी में जगह ही नहीं बचेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी। तो देखिए, क्योंकि और क्योंकि फिक्स होते हैं प्लेसेस ना, आपको पता है, क्योंकि या तो सब्जी मंडी था या फिर एक और ग्राउंड था, तो सब्जी मंडी एक सेंटर पॉइंट था तो उसमें करना ही जरूरी था, वहाँ पे सेंटर पॉइंट पे। आगे उसके अलावा और क्या रणनीति है, कोई और रैली भी होगी या सिर्फ एक ही? अब देखिए, 2 तारीख को एक काफी बड़ा हमारा रोड शो होने जा रहा है और उसके बारे में भी आगे आगे धीरे धीरे जैसे समय आएगा उसमें बताते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि सब में इतना जोश, इतना उत्साह, इतनी उमंग है, सब ये देख रहे हैं कि इस बारी महेंद्रगढ़ को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। और आप सब देख रहे हैं कि ये जो मैंने अभी अपना बुकलेट दिखाई थी, 13 नंबर पर हमारा निशान है, नीचे से दूसरा, नीचे नोटा का होता है, उसके ऊपर 13 नंबर पे टॉर्च का निशान है। तो अधिक से अधिक टॉर्च के निशान पे बटन दबाइए ताकि अपना महेंद्रगढ़ जो गुंडागर्दी और जो अन्य बुराइयों से अंधकार में है वो उजाले की तरफ आ जाए। कोई जादू की छड़ी की बात कर रहे हैं जी, देखिए आप देख रहे हैं, ये कई बार कहते हैं कि क्या जादू की छड़ी है जो ये यहाँ के घट्टे खत्म कर देंगे और काम कर देंगे, सिवर लाइन डलवा देंगे, पाइप लाइन डलवा देंगे। देखिए, ये तो बेसिक नेसेसिटीज थी, ये तो आज से 40 साल पहले पूरी हो जानी थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। हम तो इसके अलावा भी, हम तो अपना विजन बहुत बड़ा है हमारा, एक वर्ल्ड लेवल का विजन है हमारा। और जो जादू छड़ी है वो एक्सपीरियंस की, वो एक अफसर लाइन की, वो जज्बे की, वो ज्ञान की, वो नॉलेज की, वो जादू छड़ी हमारे पास। हाँ जी, वो जादू छड़ी है। काम होंगे, मतलब 100%, 100%। क्या कहोगे डुलाना गांव? मेरा पूरा गांव मेरे साथ है और ये डुलाना गांव मेरा जॉब्स और डेवलपमेंट के साथ है। आप डेवलपमेंट करेंगे, जॉब्स मेन समस्या है। दोनों की, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट हो गया जॉब्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। तो
अभी गांव के लोगों से बात करते हैं, किस प्रकार से कैसा माहौल है। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, क्या कहोगे? हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं, ठीक है। जहां भी हम सच्चाई और ईमानदारी देख रहे हैं वहीं पर वोट तो इधर दिखाई दे रही है। हाँ, तो इन साथ रहता हूँ, साहब के साथ। बिल्कुल जी, नमस्कार। मैं साहब के साथ ही रहता हूँ, 10 साल से मैं जुड़ रहा हूँ साहब के साथ, और मैंने अपने ईमानदारी के साथ, मैं अपने ईमानदार आदमी से जुड़ा हूँ। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ हैं। इसका मतलब बाकी जो नेता है वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम के नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया 45 साल से। क्या 5 बार पंडित जी बन गए, 4 बार दान सिंह जी बन गए, कोई काम नहीं किया उन्होंने, और हमने इनको छोड़ दिया है, और अब हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। 100%। हाँ जी, सच्चाई और ईमानदारी। संदीप भाई एसडीएम, हम इनके गैल है, और हमारा परिवार भी गैल है, और महनेड़ा एरिया में सबसे पहला टॉप में आएगा, टॉप में, और बेटे सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को बदल सकता है। संदीप सिंह एसडीएम को, हाँ, कई साल होगा, 24 साल होगी इसने नौकरी की थी एसडीएम की, और डीसी का प्रमोशन हो गया था, आईएएस अफसर था। बढ़िया है जी, सच्चाई और ईमानदारी को ही वोट जाएगा, ये सच्चे आदमी है। पिछले आदमी थे वो भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्टाचारी है। इन्होंने 45 साल से खून पी रखा है, महेंद्रगढ़ में सारे में खड़े पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, दोनों ने किया, कोई से भी काम नहीं कर रहा, नहीं लग रहा। एसडीएम साहब तो करवाएंगे पक्का, 100%। एसडीएम साहब काम करवाएंगे, ऐसी बातें यहाँ पे चल रही हैं। अजी भाई जी, क्या नाम है? आदित्य लखेर जी नाम है। सच्चाई और नांगल सरोही, सच्चाई और ईमानदारी को वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। सच्चाई ईमानदार कौन है फिर? वो एसडीएम साहब है। 45 साल आएगी, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। पूरा पूरा हर साहब जीतते को, हाँ बिल्कुल। हाजी बाबू जी, हाजी बताओ बाबू जी। अफसर जी, पहली बात तो आपसे आपसे वो सर नमस्कार सर। जी है जी, हम देसी आदमी सा, सुने बात, गुंडान दुंडान तो छोड़ना को ना, अने आदमी ऐसे ऐसे जिताएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, गुंडा दुंडान तो एसडीएम को जिताएंगे, और यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपकी, कैसा क्या माहौल गांव का है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, ठीक हो? हाँ बढ़िया। कैसा माहौल है गांव का? गांव का माहौल बढ़िया है। आज का ये कार्यक्रम हुआ कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा है, पूरा अधिकारी आए, अधिकारी जी संदीप जी आए हैं, उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। लग रहा है कुछ, हाँ लग रहा है विकास के लिए। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे महेंद्रगढ़ में जो परेशानी हो रही है उसका सुधार हो जाए। आप तो पत्रकार, आप तो डेली देखते हैं, आप तो कवरिंग करते हैं, और आप और हम तो जब काफ़ी परेशानी आ रही, तो इसका सुधार तो अच्छा अधिकारी आएगा, अच्छा एमएलए आएगा, वही करेगा विकास, जब ही होंगे। लंबे समय से नहीं हुआ, अभी 10 साल से तो हो ही नहीं रहा, तो अब नए अब अच्छा विधायक आएगा वही करवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डोलाना गांव के लोग हैं, और डोलाना गांव में हम खड़े हैं, चुनावी जनसभा संदीप सिंह एसडीएम की यहां पे हुई है। क्या मानते हैं, कौन जीतेगा महेंद्रगढ़ से, भाजपा या कांग्रेस या फिर निर्दलीय? कौन जा सकता है यहाँ से विधानसभा में, कौन करवा सकता है महेंद्रगढ़ जिले के या महेंद्रगढ़ विधानसभा में विकास कार्य, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसको आप वोट देने वाले हैं, कौन बन सकता है आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में किसके वोट ज़्यादा है, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।